Good morning, friends. Myself Ashish Rangparia. Today's my lecture is on magnetohydrodynamic electricity generation. Okay. So what is MHD plant? यहाँ पे जो पूरा concept है वो है MHD के related. तो वो actual में है क्या? Okay. तो MHD जो है वो electricity generation के लिए कुछ new system है. तो वो exact है क्या? Okay, MHD power generation is the new system of electric power generation which is said to be a high efficiency and low pollution. Okay, तो यहाँ पे actual में दो तरीके के MHD plant है, एक है open cycle and second one is closed cycle. Okay, तो हम लोग first discuss करेंगे open cycle using conventional fuel. Okay, यहाँ पे है, ये है ओपन साइकिल यूजिंग कन्वेंशनल फ्यूल. ओके, तो एमएचडी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि भाई एमएचडी में पावर जनरेशन होता कैसे है. तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मैग्नेटिक एमएचडी जनरेटर जो है वो है यहाँ पे प्लस और माइनस जो यहाँ पर लिखा हुआ है बराबर. तो यहाँ पे एन और एस दो साइड होते हैं जो मैग्नेट में जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल बराबर, दो पोल्स होते हैं. ओके, और वो समझो यहाँ पे जो एक है वो है प्लस कैथोड और एनोड, कैथोड और एनोड के साथ कनेक्टेड किया जा कनेक्शन होता है बराबर. एक पूरा का पूरा बेसिक जानने जैसा ऐसा है कि यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ पोल एक ऐसा क्यूब होता है समझो, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ठीक है, और एक यहाँ पे प्लस कैथोड और एनोड बराबर, सॉरी कैथोड और एनोड बराबर, प्लस और माइनस. ओके, तो ये जो पूरी की पूरी जो मैग्नेटिक फील्ड है एन कैथोड और एनोड, ये मैग्नेटिक जो फील्ड है वहाँ से अगर आयोनाइज गैस हम लोग पास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती है पूरी की पूरी बराबर. मैग्नेटिक फील्ड के बीच में से अगर आयोनाइज गैस हम लोग अगर समझो कि पास करें, ठीक है, तो आयोनाइज गैस अगर पास करें हम लोग मैं अपना एक ये फ्लाइट मोड एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है. ओके, तो आयोनाइज गैस अगर हम लोग पास करें तो क्या होता है, यहाँ पे ये गैस पास करने से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो है जो फील्ड ऑलरेडी होती है वो कट होती है और उसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं. ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण हम लोग को यहाँ पर डायरेक्टली डीसी करंट मिलता है, ठीक है. तो यह कैसे होता है, जनरल केस में जो एमएचडी सिस्टम है जो ओपन साइकिल कन्वेंशनल फ्यूल से हम लोग अगर एमएचडी प्लांट में अगर रन होता है तो कैसे रन होता है वो. तो सबसे पहले फ्यूल, तो एज अ फ्यूल हम लोग यहाँ पे कोल का यूज़ करते हैं. कौन सा? कोल का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है. तो क्या होता है, कोल को यहाँ पे कंबशन चैम्बर में बर्न कराया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर है उसमें क्या होता है कि अराउंड 5 to 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी इतनी ज़्यादा डिग्री पे वो हॉट गैसेस जनरेट कराए जाते हैं, ठीक है. तो क्या होता है कि यहाँ पे जो कॉल है वो बर्न हो रहा है. कॉल कहाँ पे? कंबशन चैम्बर में बर्न हो रहा है. देन आफ्टर क्या होता है कि 5 to 6000 डिग्री सेल्सियस इतने टेम्परेचर पे, ठीक है, वो उस यहाँ पे हॉट गैसेस प्रोड्यूस करे जाते हैं. तो अगर इतना ज़्यादा समझो कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर कोई गैसेस प्रोड्यूस कराए हम लोग, ठीक है, तो क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सपेंशन किया जाता है बराबर. ये एक्सपेंशन नोजल्स है, ठीक है. तो क्या होता है कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर के कारण जो हमारे गैसेस है वो आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो आयन्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूलर्स बराबर. तो वो आयोनाइज फॉर्म में जो मॉलिक्यूलर्स कन्वर्ट हो जाते हैं उसको एमएचडी जनरेटर में से पास किया जाता है. मैंने अभी बोला कि यहाँ पे क्या होता है कि एमएचडी जो मैग्नेटिक फील्ड में से अभी बात हुई थी, मैं फिर से मैं समझा देता हूँ बराबर. ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी बराबर, मैग्नेटिक फील्ड में से अगर कोई गैसेस पास कराया जाए आयोनाइज फॉर्म में तो यहाँ पर डीसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, डीसी करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो एमएचडी जनरेटर वो डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ वो डीसी करंट को यहाँ पे इन्वर्टर में ले जा, यहाँ पे इन्वर्टर होता है बराबर. इन्वर्टर में क्या होता है, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. इन्वर्टर थ्रू डीसी करंट को एसी करंट में
कन्वर्ट किया जाता है। तो ये हो गई एक सिस्टम, बराबर, ठीक है, ओके। ये भी बात हुई ओपन साइकिल यूजिंग कन्वेंशनल फ्यूल, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट सिस्टम जहाँ पे पूरा समझो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ओके। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे आगे हीट एक्सचेंजर होता है, ठीक है, जो इसको बोलते हैं समझो कि यहाँ पे आगे एयर प्री हीटर होता है, ये है, सॉरी यहाँ पे हीट एक्सचेंजर लिखा हुआ है, ये है एयर प्री हीटर, बराबर। एयर प्री हीटर जो है, एयर प्री हीटर से थोड़ी सी जो हीट है, ठीक है, जो गैसेस है वो मैंने बोला कि बहुत टेम्परेचर पे है, थोड़ी सी हीट कंप्रेसर को दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंप्रेसर में से जो भी, कंप्रेसर का काम क्या है, कंप्रेस करना एयर को, जो एक्स्ट्रा बाहर की जो एयर है उसको कंप्रेस करना, ठीक है। तो क्या कर यहाँ पे जो बाहर की एयर को थोड़ी सी हीट दी जाती है, ठीक है, और देन आफ्टर क्या होता है, कंप्रेसर आपने देखा ही होगा ये तरीके का होता है, बराबर, और यहाँ पे बाहर की जो हीट है उसको, यहाँ पे जो एग्जस्ट गैसेस है वो बाहर की एयर को दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो एक्सटर्नल एयर है उसकी टेम्परेचर में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है, तो क्या होता है कि वो अगर हॉट एयर अगर हम लोग कंबसन चैम्बर में ले जाए तो क्या होता है कि जो कंबसन चैम्बर है उसको प्री एंड थोड़ी सी हीटेड एयर मिलती है, तो क्या होता है यहाँ पे और इसकी एफिशिएंसी पे अफेक्ट होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। ये जो पूरी सिस्टम है वो है मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है। ये जो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है, बराबर, ये कम्प्लीटली ओपन साइकिल है, ठीक है, यानी ये बाय यूजिंग ओपन साइकिल और कन्वेंशनल फ्यूल यानी कोल का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और अभी फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज साइकिल MHD सिस्टम का, ठीक है। तो क्लोज साइकिल जो है, क्लोज सिस्टम जो है, उसकी ये कम्प्लीटली एक डायग्राम है, तो वो कैसे वर्क करता है हम लोग देख रहे हैं। क्लोज MHD सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे समझो एक साइकिल जो पूरी हम लोगों ने दिखाई, बराबर, जो हम लोगों ने स्टडी करी लास्ट टाइम, जो ओपन साइकिल, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो कोल प्रोसेसर था, बराबर, उसकी जगह पे, ठीक है, क्लोज साइकिल में क्या होगा, क्लोज MHD सिस्टम में, यहाँ पे उसकी जगह पे आर्गन और हीलियम, ये गैसेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोज में क्या होता है, यहाँ पे कोल प्रोसेसर जो है वहाँ पे आर्गन और हीलियम गैसेस का यूज़ होता है, बराबर, ठीक है। और यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर, जो आर्गन और हीलियम गैसेस को यहाँ पे कंबशन चैम्बर में कंबशन किया जाता है, ठीक है। और देन आफ्टर उसके साथ में एक हीट एक्सचेंजर लगाया जाता है, ठीक है, कि समझो अगर कोई भी गैस है उसको अगर समझो कि उसको बर्न कराया जाए, बराबर, तो उसके टेम्परेचर में गैसेस प्रोड्यूस होंगे, उसका बर्न होने के बाद उसमें से गैसेस प्रोड्यूस होंगे, देन उसमें क्या होता है कि कुछ वेपर भी जनरेट होता है, ठीक है, वेपर भी जनरेट होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो साइकिल है, समझो कि यहाँ पे जो हॉट गैसेस, जो हाई टेम्परेचर पे हॉट गैसेस प्रोड्यूस हो रहा है, उसको सेम सिस्टम एज अ ओपन साइकिल में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, वहाँ से आयोनाइज फॉर्म में गैस कन्वर्ट हो, गैस जो मॉलिकुलर्स है उसको यहाँ पे MHD सिस्टम में से पास किया जाता है, और देन आफ्टर EMF प्रोड्यूस होता है, उसको इन्वर्टर में लिया जाता है, और AC इन्वर्टर में DC का AC में कन्वर्ट किया जाता है, और AC पावर सोर्स पावर हमको मिलता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या, जो वेपर जनरेट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में, हम लोगों ने बोला हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं, ठीक है। और हीट एक्सचेंजर में से हीट एक्सचेंज करके, वेपर में से गैस को अलग करके, ठीक है, उसको टर्बाइन पे इम्पैक्ट कराया जाता है, टर्बाइन को रोटेट कराने में यूज़ किया जाता है, और देन आफ्टर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, ठीक है। यानी ये जो पूरी सिस्टम है वो कम्प्लीटली यहाँ पे दो जगह पे, एक रेगुलर जो MHD सिस्टम में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, ठीक है, नंबर वन, और सेकंड जो वेपर में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, यहाँ पे दो तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। ये पूरी जो सिस्टम है वो है क्लोज MHD सिस्टम, क्लोज मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक
जनरेटर सिस्टम, ठीक है। ये पूरी ये पूरा जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो था कम्प्लीटली MHD सिस्टम का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।